everyone, welcome or welcome back to my channel Debotry. I hope that you all are doing great and good too, and also a very good morning to everyone. So it is like second day in Hyderabad and abhi baj raha hai subah ke 8. Main thodi der pehle uthi hu aur my didi piche aap log dekh rahe ho wo abhi bhi so rahi hai. So anyway guys, to abhi video ka title dekh ke to aap log ko pata chal gaya hoga ki ye video kis cheez ke upar hai, kya banane wali hu main aaj ke vlog mein. So it is going to be a very exciting video because I am going to show you all the places where I used to eat sometimes when I used to stay in Hyderabad. And जो भी places मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो places मतलब मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब वहाँ के खाना मुझे बहुत 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 पसंद है. They literally like make delicious dishes and I cannot wait to show you all guys. So let's like hop on to this video guys. चलो चले पहले breakfast कर लेते हैं. ओके गाइस, तो अभी बज रहा है सुबह के 9 एंड हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. मैं लंच बोलने वाली थी एंड आई होप कि यू गाइस कैन लिसन मी बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और आवाज़ भी आ रही है. सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. सो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. सो लेट्स सी, यहाँ पे काफ़ी सारा नई नई शॉप्स खुला है. सो वी माइट चेक दैट एज वेल. सो लेट्स सी कि कहाँ पर जा रहे हैं एंड या लेट्स गो. वी आर स्टेइंग एट गच्चीबौली नियर DLF रोड एंड दिस इज द DLF रोड. And we chose to have our breakfast to this beautiful joint Palleturi Dosa. This is an origin of Rayalaseema and like after so long years, me and my sister are going to have this dosa and idli, proper South Indian authentic dosa. I am so happy and trust me, the taste was amazing, amazing. So if you guys are coming to Hyderabad, then you should definitely try out this cafe joint of Palleturi Dosa. And yeah, we just love it. Guys, this dosa is exactly like bahut bahut acha hai. It's like kaafi tasty hai. It's very yummy. So it's like amazing. बहुत अच्छा है. सो डेफिनेटली कम एंड विजिट दिस प्लेस. आई विल लीव एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो या गो चेक दैट आउट एंड नाउ लेट मी एंजॉय माय डोसा. तो गाइस ब्रेकफास्ट तो हो गया. धूप बहुत ज़्यादा है और बहुत गर्मी भी है, लेकिन फिर भी कोलकाता जैसी गर्मी नहीं है यहाँ पे. इट्स लाइक ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है तो अच्छा लग रहा है. तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं होटल और मैं आप लोग को दिस इज़ आवर होटल. वेट गाइज, सो दिस इज़ आवर होटल एंड हम लोग खाना खाने गए थे यहाँ पे, दिस वन गाइज. तो गाइज अभी हम लोग रूम पे जाएंगे और वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा एडिटिंग का काम है और कुछ शॉर्ट्स एंड रील्स भी शूट करना है और उसके बाद रेडी होके हम लोग जाएंगे लंच पे. एंड आई कैन नॉट वेट टू हैव लंच टुडे बिकॉज आई एम गोइंग टू गो टू माई फेवरेट प्लेसेज इन हैदराबाद. सो या वेरी 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 एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी. सो लेट्स जस्ट गो. तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो जूस पीते हैं, तो हम लोग जूस पी के फिर जाएंगे होटल. इसने बोला था कि ये नहीं पीएगी लेकिन ये भी पी रही है. कुछ बोलना है तुमको इसके बारे में? कैसे बोलूं? हाँ, सो रिफ्रेशिंग. बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा मुंह भी नहीं दिख रहा है किसी को, बट ये पीने के बाद काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है. एंड दिस इज सो रिफ्रेशिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो या चीयर्स. चीयर्स देखा. चीयर्स. गाइज ये रहा हमारा होटल. आई विल गिव ऑल द डिटेल्स अबाउट टैरिफ एंड लोकेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. लिटिल लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स लेटर. ओके गाइज, तो मैं कर रही थी फिल्मिंग एक शॉट और एक रील के लिए और उसके लिए मैंने ये खूबसूरत साड़ी पहनी थी. तो अभी भी हम लोग का नहाना नहीं हुआ, मतलब दीदी का हो गया, मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग पे बैठ गई थी आके. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड फिल्मिंग रील्स फॉर माय इंस्टाग्राम. गो फॉलो मी ऑन माय अदर सोशल मीडिया विच इज़ इंस्टाग्राम, वेर आई ऑलमोस्ट पोस्ट एवरी डे फॉर अबाउट स्टाइलिंग टिप्स एंड फैशन टिप्स एंड ऑल्सो BTS ऑफ एवरी वीडियो. सो डेफिनेटली गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ओके, सो अभी फटाफट जाएंगे नहाने, उसके बाद मैं रेडी होने वाली हूँ एंड देन वी आर गोइंग आउट टू हैव लंच. एंड आई कैन नॉट टेल यू गाइज हाउ हैप्पी आई एम टू एक्चुअली गो टू दिस प्लेस बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस एज आई सेड टू यू गाइज. सो या फटाफट चलते हैं, रेडी होके आते हैं. वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लंच करने टू माई फेवरेट प्लेस. फाइनली मंदी किंग गाइज.
आई नो लोगों को हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन टू मी आई लव मंदी गाइज एंड स्पेशली फ्रॉम मंदी किंग, मुझे इतना पसंद है. सो लेट्स जस्ट गो एंड चेक इट आउट. सो कम एंड जॉइन मी इन दिस मैजेस्टिक फूड जर्नी एंड सरेंडर योर सेल्फ टू द इरेजिस्टिबल चार्म ऑफ मंदी किंग. डिस्कवर द ट्रू टेस्ट ऑफ अरेबिया राइट हियर, वेयर एवरी विजिट फील्स लाइक अ रॉयल बैंकेट. एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू बिकॉज द इंटीरियर ऑफ दिस प्लेस, द सीटिंग अरेंजमेंट्स, दे आर जस्ट अमेजिंग गाइज. आई जस्ट सो लव इट. इट फील्स लाइक दे आर सर्टनली गिविंग यू अ रॉयल ट्रीटमेंट. एंड द मेन्यू ओवर हियर, यू विल गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ authentic Arabian dishes which I love the most. यहाँ पे आप लोग को chicken मिल जाएगा, mutton मिल जाएगा, and यहाँ पे आप लोग price भी देख सकते हो. They also serve fish dishes but purely Arabian dishes. And मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ, I always opt for mutton mandi which I love the most. So yeah, can't wait to hop in that dish guys. सो जो लोग हैदराबाद से हो, आप लोग को तो पता ही होगा मंदी किंग के बारे में. बट पीपल हु आर कमिंग आउटसाइड फ्रॉम हैदराबाद, यू गाइस शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट दिस प्लेस. एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, यू वोंट रिग्रेट इट. ऑर्डर तो दे दिया है हम लोगों ने और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं. एंड आवर मंदी इज हेयर गाइज. ओ माई गॉड, दिस लुक सो यम. मैं जस्ट बता नहीं सकती कि मुझे मंदी इतना पसंद है. एंड स्पेशली दिस वन इज फ्रॉम मंदी किंग, अ प्लेस where I used to come a lot when I used to stay in Hyderabad. So मुझे सच में मंदी किंग का मंदी स्पेशली बहुत बहुत पसंद है. दिस इज सो डिलीशियस एंड यू विल गेट इन लाइक थ्री डिफरेंट टाइप्स ओवर हियर, लाइक मटन जूसी, मटन ड्राई मटन पीस, और एक होता है उसका मैं मेन्यू आप लोगों को दे दिया है वीडियो में, आप लोग चेक कर लेना. सो ओके, कमिंग बैक, सो दिस इज लाइक माई अटमोस्ट फेवरेट डिश फ्रॉम हैदराबाद. And I just love mandi guys, I just love it. तो जैसा मैं बता रही थी, this one is like mutton juicy and this one is fried mutton. मैंने dry mutton बोल दिया था, this one is fried mutton. So हम लोगों ने दोनों ही लिया है and I just cannot wait to hop onto this dish guys because I just love mandi, especially from mandi king. Okay, यहाँ पे और भी famous ऐसी places है जहाँ पे you guys can get mandi. Which is like Spice 36 and Four Seasons, Shah Gauz, आपको कहीं पर भी मिलेगा ये. But मुझे स्पेशली मंदी किंग का मंदी बहुत बहुत पसंद है and I just love it guys. So yeah, you should definitely come and visit this place if you are coming to Hyderabad. जो लोग हैदराबाद से हैं आप लोग को तो पता होगा ये मंदी किंग के बारे में. बट द पीपल हु विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम अदर स्टेट्स, दे शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस. सो या नाउ अभी मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ. ओके, From tender meats to fragrant rice and heavenly spices, Mandi King promises a culinary experience that will transport you straight to the heart of Arabia. So never miss out this place if you are coming to Hyderabad. Trust me guys. लंच में थोड़ा सा वक्त लग गया और अभी हम लोग आए हैं रूम पे. दिस इज द व्यू फ्रॉम माई रूम. ओके गाइज, तो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 6:15 इन द इवनिंग एंड मैं थोड़ा लंच करके आके थोड़ा एडिटिंग का काम कर रही थी. कुछ करना था एडिटिंग का काम और फिल्मिंग भी करना था. तो आई वॉज फिल्मिंग एंड एडिटिंग एंड देन थोड़ी देर बाद मैं सो भी गई थी बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं हुई थी कल रात को. अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई थी सो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लाइक फॉर 30 to 40 minutes. एंड नाउ आई हैव लाइक मैं अभी उठी हूँ एंड थोड़ी देर बाद मैं रेडी होने वाली हूँ. एंड उसके बाद वी आर लाइक गोइंग आउट फॉर डिनर. वी विल गो समवेयर वेयर लाइक जहाँ मैं जाती थी, जहाँ मैं खाना खाती थी कभी कभी आके. एंड आप लोग को संग में लेके जाऊँगी. और आप लोग अगर देख चुके हो मंदी का जो था वीडियो, आई जस्ट वॉन्टेड टू से यू गाइज दैट मंदी इज़ वन डिश दैट आई लव इन हैदराबाद. एंड स्पेशली अगर मंदी किंग का मंदी हो तो आई जस्ट लव इट. एंड लाइक आफ्टर 3 years आई एम हैविंग इट एंड ऑल आई कैन से इज दैट टेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, विच आई एम सो मच ग्लैड ऑफ. एंड या आप लोग देखते रहो ये वीडियो, कीप वॉचिंग. आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो ये वीडियो. सो या देखते रहो गाइज. अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, हम दोनों ही बहुत थके हुए हैं एक्चुअली.
रूम पे हम लोग थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग कर रहे थे. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 एंड अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने. बट एज प्रॉमिस्ड आई एम गोइंग टू शो यू गाइज द प्लेस वेर आई यूज टू ईट एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेज. सो लेट्स गो. हम लोग जब भी आते हैं तो ये DLF रोड पे ही रहते थे. मैं रुकती हूँ लेकिन अब से तो बिल्कुल नहीं रुकूंगी. क्या ट्रैफिक चालू हो गया है यहाँ पे. वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उन जगह आप लोग को लेके जाऊंगी जहाँ पे मैं खाना खाने जाती थी. सो दिस इज वन ऑफ दैट प्लेस. दिस इज नोन एज पंजाबी भट्टी. और ये जो आप लोग जगह देख रहे हो बस इतना ही छोटू सा ही जगह है. एंड दिस इज देयर मेन्यू. ये इसका प्राइस है एंड दिस आर द डिशेज दैट दे सर्व. बट आई ऑलवेज गो फॉर बटर चिकन एंड बटर रोटी इफ आई एम विजिटिंग पंजाबी भट्टी. बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज ये मेरी लाइफ का बेस्ट बटर चिकन है जो मैंने खाया है. दिस जस्ट टेस्ट हेवनली गाइज. सो इफ यू गाइज आर कमिंग टू हैदराबाद डोंट मिस आउट दिस प्लेस. आई विल गिव द लोकेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. A little longer than a few minutes later. We are done with our dinner and this is DLF road guys. यहाँ पे दोनों साइड पे आप लोग को सिर्फ खाने का joints मिलेगा. Next morning. ओके गाइज सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू. सो कल हम लोग थोड़ा लेट आए थे होटल क्योंकि डिनर के बाद हम लोग थोड़ा वॉक पे चले गए थे एंड हम लोग इतना टायर्ड हो गए थे कि हम लोग घर आके सो गए. एंड मुझे थोड़ा एडिटिंग का काम भी चल रहा था तो आई कुडंट कंप्लीट दिस वीडियो यस्टरडे. सो टुडे इज द थर्ड डे इन हैदराबाद एंड आई एम लाइक आई विल गो समवेयर टुडे एज वेल एंड आई विल डेफिनेटली take you all along virtually with me. But you are going to see that video in the next part of this Hyderabad trip. So I hope that you guys like my content and if you do then please consider subscribing to my channel. Hit the like button, hit the share button and of course please do subscribe to my channel. It will mean a lot to me. And if you are an existing subscriber in my channel then thank you so much. So Please do like, share and subscribe to my channel. And also you can follow me on my other social media which is Instagram where I almost post every day. So yeah, show some love on my Instagram as well. And if you haven't still watched the Hyderabad trip part then I will give the link in this I button. Definitely go and check that out. So I will see you in my next video. Till then take care. Bye.